थाना क्षेत्र के गांव चेहरकी स्थित बाग में आम के पैसे मांगने पर दबंगों ने बाग मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए बाग में रह रहे अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कराया, जहां दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। डायरेक्टर के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। समीर पुत्र साबित ने तहरीर देते हुए बताया कि बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे उसके पिता तथा अन्य लोग आम की बाकी रखवाली कर रहे थे। इस बीच वहां युवक आए और आम खाने के लिए कहने लगे, जिस पर मेरे पिता ने उनका बैग के अंदर जाकर आम खाने के लिए कहा। आरोपी की जब उक्त लोग आम खाकर चलने लगे तो उन्होंने आम के दो कैरेट भी उठा लिए, जिस पर उसके पिता ने उनके पैसे मांगे तो गुस्साए एक आरोपी ने जिस पर उनके पिता ने उसके पैसे मांगे तो एक आरोपी ने अपना मोबाइल उसके पिता को देकर कहा कि पैसे देकर मोबाइल ले जाएंगे। तहरीर में बताया कि कुछ देर बाद आरोपी अन्य साथियों को लेकर आए और आते ही लाठी डंडे तथा धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला कर दिया। इसमें उसके पिता साबिर इस्तखार तथा इंतजार गंभीर तौर पर घायल हो गए। इस्तखार और इंतजार बेहोश होकर वहीं पर गिर गए। घटना की सूचना 112 नंबर को दी गई तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सरधना CHC भर्ती कराया गया, जहां से दो की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धारा में तीन आरोपियों हर्ष शिवम व अक्षय निवासी गन खिरवा पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।